ना ही तो मैं शेव राम जी दो पत्नियाँ थी, एक तो यज्ञ में आ गई, दूसरी के बारे में हम पूछना चाहते हैं। ब्रह्मा मुख से जो चलाई हुई बाबा की वाणी है, उस वेद वाणी में सिर्फ इतना जिक्र आया है कि कलकत्ता दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा वैश्यालय शहर बन जाता है। यहाँ एक पत्नी तो रखने के आदि हैं ही, परंतु दूसरी तीसरी पत्नियां भी रख लेते हैं और उनको घर मकान बना करके अलग से देते हैं। बाकी भागीदार के बारे में स्पष्ट ऐसे कुछ नहीं बताया कि उनको दो पत्नियां थी। परंतु वाणी से ये बात क्लियर हो जाती है कि यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, एक माता ज्ञान को सुनने और सुनाने के निमित्त बनी, ये सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, और दूसरी माता बोल बोल करने की निमित्त नहीं बनी उतनी, लेकिन जो भी सुना उसको अपने जीवन में धारण करने और धारण करने के बाद जितना भी जैसा भी धारण किया उस धारणा के अनुसार ब्रह्मा बाबा को निश्चय बुद्धि बनाने में निमित्त बनी। तो जो यहाँ ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा को ज्ञान में जन्म देने के निमित्त बनती है, वो सतयुग में भी कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बन जाती है। इसलिए बोला है एक सेकंड में ब्रह्मा 100 विष्णु बन जाता है, परंतु यहाँ तो 70 साल हो गए, अभी भी ब्रह्मा की सोल और तथाकथित झूठे ब्राह्मणों की तरफ जा रही है, जिन ब्राह्मणों ने बाप को पहचाना ही नहीं। तो इससे साबित होता है कि अभी वो सेकंड नहीं आया है जिसमें कहा जाए ब्रह्मा सो विष्णु बना। अभी भी ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में ये बात पक्की बैठी हुई है कि गीता का भगवान साकार में पार्ट बजाने वाला कृष्ण की आत्मा ही है और कोई दूसरी आत्मा नहीं है। बल मुरली में शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से सैकड़ों बार यही बोला है, गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। परंतु कृष्ण की बुद्धि में ही ये बात नहीं बैठ रही है। दुनिया की
पहली पहली आत्मा जो पहले पत्ते के रूप में सृष्टि वृक्ष में जन्म लेती है वो बड़े से बड़ा भाई कौन है? है? ब्रह्मा जी तो कृष्ण की आत्मा, और बड़े भाई की बुद्धि में ही ये नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन, जो धारणा में सबसे मुख्य आत्मा है। तो और आत्माओं की बुद्धि में तो ये बात बैठ ही नहीं सकती, सब संशय निश्चय के झोले में झूल रहे हैं। बल लिख करके भी देते हैं, निश्चय पत्र लिख देते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख देते हैं, फिर भी बाप का जो मुकर्रर रथ है, बाप का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उस पर कुछ न कुछ संशय आता रहता है। क्योंकि जो मुख्य है, जिसे कहा जाता है बड़ा भाई दादा, उसी की बुद्धि में नहीं बैठा है। तो यज्ञ के आदि में कृष्ण वाली आत्मा, उसको अपनी बहन के ऊपर पक्का विश्वास था, क्योंकि बचपन में भी पालना ली और बड़ा होने के बाद, शादीशुदा होने के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद अपनी बच्ची को भी उनके संरक्षण में रख दिया। तो जिस पर विश्वास होता है उसी को तो संरक्षण में रखा जाता है, संरक्षण में दिया जाता है। हाँ, शिव बाप ने जब आकर के ब्रह्मा के साक्षात्कारों को सुनाया तो माध्यम बनी मुख से बोल बोल करने वाली माता। परंतु ब्रह्मा बाबा ने बोल बोल करने वाली माता को सुनाया होगा या अपनी बहन को सुनाया होगा? उनके ज्यादा नजदीक जीवन में कौन रहा? अपनी बहन ही नजदीक थी। बहन ने सुना, लेकिन बहन और बहनोई का जो पार्ट है वो ज्ञान के अनुसार वो साबित होता है कि जो आदि सो अंत। आदि में विष्णु स्वरूप है तो अंतिम जीवन में भी विष्णु स्वरूप है। दोनों के संस्कार ऐसे आपस में मिले हुए थे कि जो दूसरी माता निमित्त बनी उस माता के प्रति भी वो ब्रह्मा बाबा की बहन पूरी निष्ठावान थी। क्योंकि भारत में पत्नी का ये धर्म माना जाता है कि जिस बात में पति को सुख उस बात में पत्नी का सुख, और इसी बात को देखने से पता चलता है कि दोनों के संस्कार मिले हुए थे। ये समाने की शक्ति लक्ष्मी जैसा पार्ट बजाने वाली पवित्र आत्माओं में ही हो सकती है, विकारों का सुख भोगने वाली आत्माओं में ये सहनशीलता नहीं हो सकती। सौत या दाह जरूर आ जाता है। ये विकारों विकारी सुखों की पैदाइश है सौत या दाह। तो उनके वो नजदीक थी क्योंकि स्त्री जाति थी,
स्त्री जाति, अपनी जाति की जो भी कन्याएं माताएं हैं उनसे ज्यादा नजदीक हो जाती है और भावना में मैलापन नहीं है। इसलिए जो भी ब्रह्मा के मुख से उन्होंने सुना साक्षात्कारों को बहन ने, वो नजदीक होने के कारण उस दूसरी माता को भी सुनाई दिया और दूसरी माता तो बोल बोल की स्वभाव की थी, उसने फौरन ब्रह्मा बाबा के बहनोई को अर्थात सेवक राम को सुनाई दिया। जिस समय सुनाया उस समय शिव बाप ने सुनाया, क्योंकि जो सुनाने वाला है मुख से वो है तो शिव बाप, लेकिन जिसके मुख से सुनाता है वो ब्रह्मा का पाठधारी हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला है ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या। प्रजापिता भी कब बने, जब पहले ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से सुने। तो पहला पहला ब्रह्मा का आदि ब्रह्मा का पाठ उस माता का हो गया जिसमें प्रवेश करके शिव बाप ने सुनाया। और ये तो निश्चित है कि सुनाने वाला जब सुनाता है तो सुनने वाला उसी समय सुनता भी है, और सुनने के साथ साथ कोई तीक्ष्ण बुद्धि हो तो उस बात को समझ भी सकता है। तो सुनाने का कार्य प्रजापिता के द्वारा, सुनने का कार्य और समझने का कार्य एक साथ हुआ। सुनाने वाले के द्वारा सुनाने का फाउंडेशन डाला गया, वो है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, वो भी हिम्मत बहन में नहीं थी कि डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के बहनों ही को सुनाए। क्योंकि ये कोई प्रूफ वाली बात तो है नहीं, साक्षात्कार कोई प्रूफ की बात है, इसका प्रूफ तो कोई होता नहीं जैसे स्वप्न। तो डर था कहीं झूठा साबित न कर दे, और वैसे भी जो भारतीय पत्नियां होती हैं वो पति से कुछ उलट सुलट बात या झूठी सूठी बात करने में डरती हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बहन ने डायरेक्ट नहीं सुनाया, परंतु जो दूसरी माता थी उसने तो पट सुना दिया। और बाप भी कहते हैं हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, उस बच्ची ने हिम्मत की सुनाने की और शिव बाप ने प्रवेश होकर के उसको वो ताकत दी और उसने सुना दिया। तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन तो पड़ा ब्रह्मा के द्वारा, ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है। जैसे रावण को हाथों में शास्त्र दिखाते हैं वैसे ब्रह्मा को भी हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, ये सुनने सुनाने का ज्ञान है। इसमें समझने समझाने की बात नहीं है, परंतु प्रजापिता ने जो उन साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया वो अकेली उस माता को नहीं सुनाया, दूसरी माता जो बहन थी वो भी उस समय मौजूद थी, दोनों को सुनाया। परंतु फर्क क्या रहा, फर्क रहा समझने का और समझाने का।
सुनना सुनाना अलग बात हो जाती है, और सुन करके अंदरूनी समझना और फिर दूसरे को समझाना निश्चयात्मक बुद्धि से, वो एक अलग बात हो जाती है। ब्रह्मा बाबा ने उस बात को निश्चय पूर्वक सुना, साक्षात्कारों के रहस्य को, और बाबा की बुद्धि में तो पक्का बैठ गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। मुझे नई दुनिया में जाकर के कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। मैं सृष्टि का पहला पत्ता हूं, और ये फाउंडेशन डालने का निमित्त कौन बनी? उनकी अपनी बहन। परंतु बहन का जो पार्ट है वो धारणावान पार्ट है, और दूसरी जो माता थी ज्ञान की धारणा, तो कहेंगे कि वाचा के आधार पर ज्ञान धारण किया, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं कहेंगे। और कलयुग में तो ऐसे ही होता है, जिसको तुलसीदास ने भी लिखा है, पंडित सोई जोई गाल बजावा, जो भाषण में बहुत पटु होता है दुनिया उसको फॉलो करने लग पड़ती है। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जो सुनाने वाले पंडित होते हैं, उन पंडितों का असर इतना गहरा बैठता है कि सब उनको फॉलो करते हैं। यज्ञ के आदि में भी उस माता का मान मर्तबा बहुत था, मुरली में भी बोला है, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ देंगे। किसने बोला? मम्मा बाबा ने। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ देंगे, वो भी चले गए, जिसके लिए कहते हैं राम फेल हो गया। तो राम फेल हुआ, राम के साथ साथ सीता भी जरूर फील होती है। तो दोनों माताएं भी यज्ञ के आदि में मौजूद थी, और वो प्रजापिता भी उस समय मौजूद था, जबकि साक्षात्कारों के रहस्य को शिव बाप ने समझाया। कोई मनुष्य मात्र है उन साक्षात्कारों के रहस्य को नहीं समझा सकता था। भले ब्रह्मा बाबा को वाराणसी में घूमना पड़ा, अपने गुरुओं के पास जाना पड़ा, हर जगह जाकर के उनको संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए मुरली में बोला है कि मैं अकेला नहीं आता हूं, मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। माना सुनने सुनाने का जो कार्य करने वाली फाउंडर माता थी, पहले ब्राह्मण को जन्म देने वाली, वो भी उस समय मौजूद थी, जिसे कहेंगे आदि ब्रह्मा। और धारणा वाली माता विष्णु के रूप में, वो भी मौजूद थी। और सृष्टि के पिता के रूप में ज्ञान का बीजारोपण करने वाला भी मौजूद था। उस प्रक्रिया में दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल उस समय मौजूद नहीं थी। उनको ज्ञान का फाउंडेशन डालने वाली वो माता थी अकेली, जो उनकी बहन थी।
जिससे संस्कार अपने पति के साथ पूरे ही मिले हुए थे, वो युगल था जो सृष्टि के आदि में भी विष्णु का पार्ट बजाता है और अंत में भी विष्णु का पार्ट बजाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा को और उनकी अंतिम जन्म की पत्नी यशोदा माता को विष्णु नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर विष्णु के रूप में उनके संस्कार मिले हुए होते तो मम्मा को निमित्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझा जा सकता है कि प्रजापिता को जन्म देने के लिए निमित्त तो बोल बोल करने वाली माता ही बने। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, वो पहला फिर ब्राह्मण बनता है। बाकी देवता पहला कैसे बनता है? पहला ब्राह्मण तो तब बना जब आदि ब्रह्मा के मुख से उसने साक्षात्कारों को सुना, फिर वो पहला देवता कैसे बनता है? जो दूसरी माता निमित्त बने, जो धारणावान है, आदि का जन्म था फिर दूसरी बार भी जन्म लेता है, तो बेसिक ज्ञान देने के निमित्त वो ही माता बनती है जो विष्णु का पार्टधारी है, और वो ही माता फिर दैवी शक्ति की स्थापना करने में भी सबसे आगे रहती है, क्योंकि सुनना सुनाना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी बात है जीवन में धारण करना, वो ही दूसरों को धारण करा सकता है। तो जो दूसरी माता है वो आदि में भी सुनने सुनाने में उससे ज्यादा तीखा कोई भी नहीं था, बोल बोल करने में आदि में भी कोई तीखा नहीं था, और अभी भी चाहे बेसिक में ज्ञान लेने देने वाली ब्रह्मा कुमारियां हो और चाहे एडवांस में ज्ञान लेने देने वाली ब्रह्मा कुमारियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां उस माता को बोल बोल में समझाने वाला कोई अभी भी मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां तो बात ही नहीं करेंगी, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां बातें भले करें लेकिन बात में उससे आगे कोई नहीं जा सकता। इसलिए एक का पार्ट है महागौरी और एक का पार्ट है महाकाली। बोल बोल की निशानी भी महाकाली को दिखाई जाती है, क्या लंबी जीव दिखाई जाती है, कहते हुए इसकी तो बड़ी लंबी जीव है। बाकी संसारों में मेल तो दोनों का जरूर होना है, चाहे महागौरी हो या महाकाली हो, जब तक इनके संस्कारों का मेल नहीं होगा तब तक विष्णु की पालना भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी। और मैं ही भक्ति मार्ग में ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, समझ को ज्यादा महत्व दिया जाता है या साक्षात्कार को ज्यादा महत्व दिया जाता है?
भक्ति मार्ग में भक्तों ने साक्षात्कार को ज्यादा महत्व दिया। ज्ञान कोई कितना भी समझाए बुद्धि में नहीं बैठा, और साक्षात्कार हो गया, भक्तों ने समझ लिया हमें भगवान मिल गया, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में, प्रजापिता को तो साक्षात्कार प्रैक्टिकल में नहीं हुए थे। तो प्रजापिता वाली राम वाली आत्मा जो राम बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली है, वो पंडित की पंडित ही रह गई, और ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा ने पक्का धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि माता में ज्यादा भावना होती है या बाप में ज्यादा भावना होती है? ब्रह्मा बाबा का तो पार्ट ही नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी से बड़ी माँ। भावना के आधार पर उन्होंने साक्षात्कारों के रहस्य को जब एक बार समझ लिया तो जीवन में कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं, अंत तक यज्ञ की पालना की, और राम वाली आत्मा फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि कुछ आत्माएं होती हैं बुद्धि वाली और कुछ आत्माएं होती हैं दिल वाली, भावना वाली। भावना वाली आत्माओं को साक्षात्कार का दिल का भोजन मिलना चाहिए, वो उनको मिल गया, और राम वाली आत्मा को बुद्धि का पूरा भोजन यज्ञ के आदमी मिला नहीं, क्योंकि चक्र का ज्ञान पूरा क्लियर हुआ ही नहीं। ये बात मुरली में भी बोली है, आदि में पूरा ज्ञान नहीं था तो टूट पड़े। अभी तो ज्ञान का पूरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ही डोज मिल चुका है। तो जो सृष्टि वृक्ष की बीज रूप आत्मा है, उस बीज रूप आत्मा को ज्ञान में से कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि का पक्का फाउंडेशन पड़ा हुआ है, और वो फाउंडेशन डालने वाला भी बुद्धिमानों की बुद्धि आत्माओं का बाप है, कोई मनुष्य गुरु नहीं है, इसलिए फाउंडेशन हिल नहीं सकता। हाँ जोर से बोलिए। फिर पूछना क्या है? हाँ फिर पूछना क्या है? वो तो बात मान ली कि माताओं में भावना होती है, है? धारणा भी माताओं में ज्यादा होती है। अभी माताओं की संख्या ज्ञान में ज्यादा बैठी हुई है या पिताओं की बैठी हुई है? कहीं भी देख लो जाके, जो भी ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो, भाइयों की संख्या ज्यादा है या माताओं की संख्या ज्यादा है? क्यों? क्योंकि माताओं में भावना जास्ती होती है, प्योरिटी के आधार पर भावना होती है, और जो पवित्र आत्माएं होती हैं जन्म जन्मांतर की, उन्हीं को साक्षात्कार भी होते हैं। क्या? जो बुद्धिवादी आत्माएं होती हैं, ज्ञानी तो आत्माएं होती हैं, बुद्धि ज्यादा तीखी है इसलिए ज्ञान को जल्दी कैच करती है, भले उनमें परख शक्ति भी जागती हो, निर्णय शक्ति भी जागती हो, लेकिन भावना न होने की वजह से टूटते रहते हैं। तो बुद्धि वाला बाप गाया हुआ है या दिल वाला बाप गाया हुआ है? दिल वाला बाप गाया हुआ है। हाँ है, ठीक। तो कहते हैं कि उसकी बात मुरली से क्रॉस नहीं होती, बाप की याद में रहते हैं। बाप की याद में रहते हैं माने जितना बेसिक नॉलेज के बतौर उन्होंने बाप को पहचाना है,
बेसिक नॉलेज में बाप का ज्ञान बेसिक के बतौर था या एडवांस ज्ञान था? क्या था? बेसिक के बतौर ज्ञान का मतलब है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरी आत्मा का बाप ज्योति बिंदु, बस। ये विधर्मियों का बाप का फाउंडेशन लगाने वाली आत्मा हो गई। उन्होंने अपनी गोद में किसको पालना दी है? विधर्मी आत्माओं को पालना दे दी। वैसे भी भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है कि ब्रह्मा ने वरदान किसको दिए? ज्यादातर असुरों को वरदान दिए, असुरों को गोद में पाला। हाँ जी, एक एक दूसरा बात। हाँ, सुना? जोर से बोलो तो यहाँ तक आवाज आए, नहीं तो आगे आ जाओ। हाँ जी, एक बार पूर्ण रूप से सभी स्थिति में जाने के बाद इस अवस्था में आनी नहीं होगी, तो फिर वहाँ कार्य व्यवहार कैसे संपादित होगा? माना आत्मिक स्थिति में रहते हुए कार्य व्यवहार नहीं किया जा सकता? ऐसा हो सकता है, संभव है या नहीं है कि हम आत्मिक स्थिति में भी रहें और काम भी करते रहें? हो सकता है या नहीं? माना इस भाई को इस बात का अनुभव नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फिर क्यों कह रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा की आत्मा है? हाँ, ब्रह्मा की आत्मा अपने पाप कर्म तब तक पूरे विनाश नहीं कर सकती जब तक कि इसको गीता का भगवान कौन है इस बात पर पक्का निश्चय ही न हो। यहाँ एडवांस में आने वाले वो संगम युग में शरीर को चेंज करने वाली आत्माएं हैं, है ना? और ब्रह्मा वाली आत्मा उस लिस्ट में नहीं है, तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाएगा क्या? बैठी तो राम की तन में है ना बाबा। भले राम की तन में बैठी है, भले राम के तन में बैठी है, लेकिन राम के तन में बैठे हुए भी राम वाली आत्मा एक के ऊपर विश्वास करने वाली है या अनेकों के प्रभाव में आने वाली है? और ब्रह्मा वाली आत्मा अनेकों के प्रभाव में आने वाली है। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है उसको संग का रंग जास्ती लग रहा है एक ही शरीर में, या राम वाली आत्मा को ज्यादा संग का रंग लग रहा है? ब्रह्मा वाली आत्मा को संग का रंग भी जास्ती लग रहा है। 16,000 का संग का रंग किसको लगेगा? राम वाली आत्मा को या कृष्ण वाली आत्मा को? कृष्ण वाली आत्मा को जाती लगता है। अभी राम वाली आत्मा के लिए ये कहेंगे कि वो बैल पर सवार हो गई या हाई जंप लगाए तब सवार होगी? अभी भी राम वाली आत्मा बैल के ऊपर पूरी सवारी नहीं की है, कंट्रोल नहीं कर पाया है पूरा। जब ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो कृष्ण की आत्मा को भी बदलना पड़ेगा। याद कैसे करेगी? है तभी याद करेगी, तभी ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड। अभी उस लिस्ट में तो बेसिक वाले सारे ही ब्राह्मण हैं ना, वो साकार में निराकार को याद करते हैं क्या? बिल्कुल है, हाँ प्रवेश है, लेकिन वो आत्मा शरीर को उसको कंट्रोल कर लेती है या नहीं कर लेती है? कर लेती है। तो जब तक कंट्रोल कर लेती है, भूत प्रेत जब तक एडवांस वालों को कंट्रोल कर रहे हैं तब तक सृष्टि बदल जाएगी? नहीं बदल सकती। भूत प्रेतों को एडवांस वाले कंट्रोल करने लगे,
सब परिवर्तन होगा। प्रैक्टिस जारी है, जम दे जाम दे तो नहीं हो जाता, क्या हथेली पे आम उगाएगा? टाइम उधा हुआ है। हाँ जी, हाँ देखेंगे। हाँ जी, लेकिन एक ही महाकाली है जो सबसे पास है, महाकाली है जो शिक्षित रहता है और सातों को भी नंबर वन नीचे करना पड़ता है। महाकाली क्या है? महाकाल, महाकाल। हाँ, महाकाल का पार्ट जो है, सेंटर का पार्ट जो है, हाँ, उसकी मृत्यु नहीं होती, सब से एक ही सृष्टि पे रहता है। सात में से सात में कमी क्या होती है कि उसके मुकाबले पीछे रह जाते हैं? पांच में तो सारे होते, आठ होते हैं। जो सात और हीरे हैं तो हीरे नंबर वार होते हैं या एक जैसे ही होते हैं? सारे को उन्हीं हीरा बन जाते हैं क्या? बन जाते हैं, नंबर वार होंगे तो ऐसे हैं। तो हाथों ही हीरे और पास विद आनर भी है, कोई फ्ला नहीं है, फ्ला लेस है, लेकिन अपने अपने धर्म के हीरो हैं, अपने अपने धर्म के वो आदि हैं, पूर्वज हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि आठवां जो हीरा है वो सनातन धर्म का पूर्वज है, आदि है, ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये अंतर पड़ जाता है। और इतनी धीरे मत बोलो, जोर से बोलो। बाबा जिस समय दृष्टि देते हैं, हाँ, तो उस समय आंखों की तरफ दृष्टि लेनी चाहिए या भिगोटी के मध्य में देखना है? बाबा ने आत्मा को देखने के लिए बोला है या आँखों को और मुख को और चेहरे को देखने के लिए बोला है? हैं? हैं? आत्मा लाइट स्वरूप है, असली बैटरी है या असली बात बल्ब है? असली चीज क्या है? बैटरी। और बैटरी आंखों में बैठी हुई है कि दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है? अगर हम आत्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो क्या आंखों में नजर ऑटोमेटिक नहीं जाएगी? जाएगी। और एक मिनट, है सिखाया जाता है कि आत्मा को अंडा में सर बोला है, आत्मा है एक जीव। आत्मा क्या है? अंडा में सर, अंडा में सर दिखाते हैं और आत्मा है जीव। आत्मा है बिंदी। जो चींटी का अंडा होता है वो बिंदी जैसा होता कि नहीं? है? अच्छा, चींटी तो फिर भी बड़ी है। जो और कीटाणु होते हैं, जैसे बुखार के कीटाणु होते हैं, मलेरिया बुखार किसी को चढ़ गया तो खून में वो कीटाणु दिखाई नहीं पड़ते हैं इन आँखों से, लेकिन वो यंत्र से जब देखता है डॉक्टर तो वो कीटाणु उसको दिखाई पड़ते हैं। उन कीटाणुओं के जो अंडे होते होंगे कितने सूक्ष्म होते होंगे, हैं? अच्छा, मुर्गी का अंडा तो बड़ा होता है, तो मुर्गी के अंडे को ही अंडा कहेंगे, चींटी के अंडे को अंडा नहीं कहेंगे? है? वो भी अंडा ही है। हाँ। ज्ञान जो है वो कहाँ से आता है? अच्छा, अज्ञान भक्ति कहाँ से आती है? राम से। अज्ञान अर्थात भक्ति कहाँ से आती है और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान राम से आता है और भक्ति रावण से आती है। तो भोगी रावण ज्यादा होगा या राम ज्यादा होगा? है?
रावण भोगी होगा और राम योगी होगा। ज्ञान के आधार पर ही तो योग लगता है, ज्ञान नहीं होगा तो योग भी नहीं होगा। ज्ञान माने जानकारी, और जानकारी किसकी? अपनी जानकारी, अपने बाप की जानकारी। अपनी जानकारी में, आत्मा की जानकारी में 84 का चक्र पूरा ही आ जाता है। ज्ञान अगर गहरा नहीं है तो याद भी गहरी नहीं हो सकती, घड़ी घड़ी हिलते रहेंगे, अनिश्चय आता रहेगा, अनिश्चय आएगा और योग भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? जमीन पर बैठने दो, थोड़ा इधर उधर ठंडी लग जाएगी। हाँ, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? होती हैं? 16 कलाएं चंद्रमा की नहीं होती? होती हैं। तो अलग अलग कलाएं होती हैं या रोशनी बढ़ती घटती रहती है? हैं? रोशनी बढ़ती है, पूरी बढ़ जाती है तो कहते 16 कलाएं, और रोशनी पूरी घट जाती है तो अमावस्या 0 कला। ऐसे ही 500-700 करोड़ जो भी पत्ते हैं आत्मा रूपी, उनमें पहला पत्ता है कृष्ण वाली आत्मा, तो उसका मिसाल दिया जाता है ज्ञान चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा में जितनी जितनी ज्ञान की रोशनी बढ़ती जाएगी उतना उतना वो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। ज्ञान की रोशनी घटती जाती है तो अमावस्या कही जाती है। बाकी कलाएं कोई अलग अलग कलाएं नहीं है, नाच की कला, गीत की कला, चित्रकला, ऐसे नहीं है। ये तो देह अभिमानियों की बनाई हुई कलाएं हैं। बाप तो आकर के ये ज्ञान ही देता है, जिस ज्ञान के आधार पर सब प्रकार की कलाएं आ जाती हैं। और बाबा, ये तिरंगा झंडा जो लहराते हैं इसका पूरा देश में क्या अर्थ होगा? तीन रंग का ही क्यों लहराते हैं, और तीन रंगों में स्पेशल तीन प्रकार के रंग क्यों दिए हैं, और कपड़े का ही क्यों लहराते हैं? कपड़े का झंडा इसलिए कि शरीर को कपड़ा कहा जाता है। ये तीन प्रकार के कपड़े हैं जिनके द्वारा भगवान बाप आकर के स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं। नई दुनिया की जो स्थापना होती है वो शुद्ध संकल्पों के द्वारा होती है, जिसके निमित्त कौन बनती है, कौन आत्मा है जो स्थापना के निमित्त कही जाती है? ब्रह्म। तो वो हरा कपड़ा है। भक्ति मार्ग में एक कहावत भी है, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तो ब्रह्मा बाबा जब संगम युग में ज्ञान बरसात का टाइम शुरू होता है, 100 साल का जो संगम युग है उसमें ज्ञान की बरसात होती है या नहीं? तो ज्ञान बरसात का संगम युग है, और उसमें पहले ही पहले पहले निश्चयात्मक बुद्धि आत्मा के ऊपर कि मैं ये आत्मा हूं, ये किसको निश्चय बैठा? ब्रह्मा को निश्चय बैठ गया। पूरा ज्ञान तो नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था, फिर भी
आज से लेकर के शरीर छोड़ने तक देहम वा पातया में, और जो पक्का निश्चय बैठा है वो नहीं हिला, वो अभी भी मैं कृष्ण की आत्मा हूं। तो हरा ही हरा उनको सुझाई पड़ रहा है, किसी बच्चे का दुर्गुण उन्होंने कभी नहीं देखा, हर बच्चे की हरियाली हरियाली उनको नजर आती रही। तो वो हरा कपड़ा दिखाया गया है, किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की यादगार है हरा कपड़ा, उससे ऊपर है सफेद, श्वेत वस्त्र जो है कोई रंग नहीं, उसको कैसा रंग कहा जाता है? सफेद। वैसे सात रंग मशहूर हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा वो विष्णु को कोई रंग नहीं दिखाया जाता कपड़े में, इसलिए नहीं दिखाया जाता कि दुनिया के किसी प्रकार का अवगुण उस आत्मा में रहता ही नहीं। कोई कहे ब्रह्मा बाबा में अवगुण था क्या? प्रश्न तो हो सकता है, क्या ब्रह्मा बाबा में अवगुण था? हाँ था। क्या है? धृतराष्ट्र में कौन सा अवगुण था? जो अपने होते हैं उनके अवगुण नहीं दिखाई पड़ते। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपने बच्चों के अवगुणों को नहीं देखा, ये भी एक अवगुण है। इस दुनिया में ऐसा तो कोई होता ही नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो और अवगुण न हो। गुण भी देखना है और अवगुण भी देखना है। माया की भी पहचान चाहिए और राम की भी, राम की भी पहचान चाहिए। शिव बाप आकर दोनों की पहचान देते हैं। अगर माया की पहचान हो जाए राम की पहचान ना हो जाए तो कहेंगे बेसिक नॉलेज वाला, और राम की पहचान हो जाए और माया की गिरफ्त में बार बार आते रहें औरों के प्रभाव में आते रहें और बाप को भूल जाए तो ज्ञान संपन्न कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो विष्णु वो पार्टधारी है जिसमें कोई भी प्रकार का रंग नहीं। जैसे शिव बाप सदैव सफेद हीरा है, सदा शिव है, ऐसे ही है। और ऊपर तीसरा वस्त्र है लाल, लाल कपड़ा जो लाल रंग है वो क्रांति का सूचक होता है। क्या करता है? अंत ही कर देता है। दुनिया में किस बात की बढ़ोतरी हो रही है? बुराई की बढ़ोतरी हो रही है, अवगुणों की बढ़ोतरी हो रही है, राक्षसीपन की बढ़ोतरी हो रही है। वो पुरानी दुनिया के पुरानेपन तमो प्रधानता का अंत कर देता है। ये खूनी क्रांति के बगैर नहीं होता है। मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई सिखाई गई खूनी क्रांति है वो स्थूल खून बहाने वाली है। भगवान जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो स्थूल खून नहीं बहाने वाला है। भगवान ने कोई हिंसक युद्ध कराया होगा? स्थूल खून बहाया होगा क्या? नहीं। ये संकल्पों का भी खून होता है। शरीर में दो प्रकार की नसें नाड़ियां दौड़ती हैं, जैसे अच्छा खून और काला खून, ऐसे ही मन बुद्धि के अंदर भी दो प्रकार के संकल्प चलते हैं। अच्छे संकल्पों का खून दौड़ता रहता है और
बुरे संकल्पों का भी खून दौड़ता रहता है। बुरे बीच में जो अशोक चक्र होता है, बात पूरी होने दो, अभी लाल कपड़े का आपका जवाब रह गया ना। तो जो लाल रंग है वो अंत कर देता है, काय का अंत करता है, कालिमा का अंत करता है या सफेदी का अंत करता है। सब रंगों को मिला दो तो कौन सा रंग बन जाएगा, काला रंग बन जाएगा। तो दुनिया में जितने भी रंग फैले हुए हैं और धर्म पिताओं के प्रभाव में सारी दुनिया आ गई है, खास करके भारतवासी और धर्मों के चक्कर में आ गए, विदेशियों के प्रभाव में आ गए, उन सब प्रभावों को अंति क्रांति करा देता है, इसलिए वो लाल रंग दिखाया गया है। सफेद रंग से क्रांति नहीं होगी, हरे रंग से भी क्रांति नहीं होगी, ये लाल रंग जो है यही क्रांति का सूचक है। ये तीन प्रकार की आत्माएं हैं जो तीन प्रकार का पार्ट बजाती है, एक स्थापना के निमित्त बनती, दूसरी पालना के निमित्त बनती और तीसरी क्रांति के निमित्त बनती। तामसी दुनिया की अंति कराई देती है, इसलिए ये तिरंगा झंडा यादगार बना हुआ है। वो तो कपड़े का झंडा ऊंचा उठाते रहते हैं, कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे, और कपड़े का झंडा कोई विश्व विजय करेगा क्या? अरे वो तो सैम्बुल है, समझ की बात है कि तीन प्रकार के कोई शरीर रूपी वस्त्र दुनिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है। अशोक चक्र की बात, बाबा बीच में अशोक चक्र होता है, उसका पूरे चक्र है उसमें 24 आरे दिखाई गई, वो 24 आरे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 12 आत्माओं की सूचक है। माला में 108 विशेष मण के लिए कहा जाता है 30,008 तो आज की मनाने माला बनाने वाला संगठन बनाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। उन 108 में 24 मन के हैं देवी देवता सनातन धर्म के मुख्य, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म एक धर्म के मार्गों से नहीं बन सकता, ये प्रकृति मार्ग का धर्म है। जीवंती भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए, बाप आते हैं तो तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, चंद्रवंशी और सूर्य धर्म। ब्राह्मणों में जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं, जो पाप हो जाते हैं बाप की पहचान में वो सूर्य कह रहे, परंतु जो फेल हो जाने वाले हैं उनमें भांति भांति के हैं, ऐसे नहीं कि चंद्रवंशी ही फेल होते हैं, इस्लामी बहुत ही वंशी फेल नहीं कह जाएगी, वो सारी फेल होते हैं, परंतु फेल होने वालों में भी कोई ऐसे होते हैं जिनको ग्रेट मार्क दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, सप्लीमेंट्री दी जाती है, दोबारा एग्जाम दो, दोबारा चांस दिया जा रहा है, पास होके दिखाओ। तो इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है ग्रेट मार्क देने में, फाउंडेशन पड़ता है
जिन आत्माओं ने वो ब्रेक मार्क लिया है, स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, स्थूल शरीर से तो फेल हो गई, लेकिन सूक्ष्म शरीर धारण करके सूर्यवंशियों में प्रवेश करके उन्होंने उस ज्ञान को धारण कर लिया। और जो साकार शरीरधारी है उनमें प्रवेश करके उन्होंने उत्साह को बढ़ाने वाली साबित हो गई। नहीं तो जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती है वो पहले विरोध करती है। जब तक ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक क्या करती रहेंगी? विरोध करती है। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर वो उमंग उत्साह बढ़ाती है। तो ऐसी जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्माएं हैं वो फिर चंद्रमा की कही जाती है, वो आत्माएं सहयोगी बन जाती है, सूर्यवंशियों की सहयोगी और प्रवृत्ति मार्ग पक्का हो जाता है। हाँ, पहले त्रेता क्यों आता है? त्रेता नाम इसलिए रखा गया है कि वहां कुछ आत्माओं की संख्या क्या, बहुत आत्माओं की संख्या ऐसी है जो 13 जन्म की क्या कौन सी आत्मा 13 जन्म लेती है? किंतु जन्म तो कितने का आए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनका तो 1 जन्म कर्म के रूप में हो जाता है, एक्स्ट्रा आयु में जन्म 8 जन्म और 13 के 12 जन्म होते, बाकी उनके अलावा जो सहयोगी बन जाने विशेष आत्मा है चंद्रवती, उनका संगम युग में तो शरीर से जन्म होता ही, तो उनके 84 जन्म होते हैं या नहीं होते? उनके भी होते। उन आत्माओं को त्रेता में जाकर के 13 जन्म लेने पड़ते हैं। तो 12 नदी पर है, लेकिन जो बेसिक नारी की प्रदर्शनी अंक है उसको ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है 13 में 13 जन्म। और एक मुरली में भी बाबा ने बोला है, परंतु वो मुरली अभी मिली नहीं है प्रूफ के बतौर, और बोला है तभी प्रदर्शनी अंक में छापा गया। तो ऐसे तो है नहीं कि चंद्रवंशी राधा वही राधा है, सत्युग में जो जाके राधा कृष्ण जन्म लेंगे वो अभी आत्माएं चंद्रवंशी गाई जाएंगी या सूर्यवंशी गाई जाएंगी? तो चंद्रवंशी ऐसी आत्माएं जो अभी प्रवेश करके उमंग उत्साह बढ़ाने वाली बनती है सूर्यवंशियों के लिए साकार शरीर में, वो वहां जाकर के 13 जन्म लेंगी, इसलिए उसका नाम त्रेता युग पड़ गया। सारी दुनिया को बोला कि हम जो भी गए थे देखने के लिए, थोड़ा एक माता बेटी तो चला माता मारे सर से मेरे को बता रही 25वीं भी नहीं कहा बीके वालों की मेला, तो बाबा जी आप बताइए आत्माओं आत्माओं का जो मेला होता है वो मेला बनाने के लिए ही होता है, और जहाँ परमात्मा बाप आकर के मिलते हैं साकार तल में उससे उस मेले से क्या होता है, दुनिया पवित्र बनती है। मनुष्यों के मेले में दुनिया अपवित्र बनती है। आदि में
सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल जो है वो सृष्टि पर कितनी आकर है, आने का मकसद क्या है, पतितों को पावन बनाना, और पावन बनाने के लिए माध्यम क्या बनता है, यज्ञ। पावन बनाने के लिए ज्ञान के अलावा और कोई बात है और कोई चीज है जो पत्तों को पावन बनाए? नहीं, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि पावन बनती है। बुद्धि को पावन बनाने के लिए ज्ञान के सिवाय और कोई रास्ता